ओम शांति। आने वाली सतयुगी दुनिया कैसे होगी? गोल्डन एज मेडिटेशन कमेंट्री। हम एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट स्थित हूँ मस्तक के बीच में। स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, अपने कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। अनुभव करेंगे मैं आत्मा एक सतयुगी दिव्य आत्मा हूँ। मैं एक सतयुगी रॉयल आत्मा हूँ। इस विश्व रूपी ड्रामा में मैंने 84 जन्म का पूरा पाठ बजाया है। अभी एक सेकेंड में मैं आत्मा पहुँच गई अपने पहले सतयुगी जन्म में। अनुभव करेंगे मेरा जन्म एक प्रिंस के रूप में हुआ है। ओहो, कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं आत्मा। देखेंगे सतयुग का नज़ारा, चारों तरफ सोने के महल। महलों के आंगन में खड़े असंख्य पुष्पक विमान, हीरे और जवाहरातों के प्रकाश से संपूर्ण महल जगमगा उठा है। मेरा जन्म बहुत ही बड़ी रॉयल फैमिली में हुआ है। बाबा कहते हैं गोल्डन स्पून इन द माउथ। अनुभव करेंगे स्कूल के नज़ारे। श्री कृष्ण मेरा मित्र है, उनके साथ हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में भी क्या जैसे खेल है, चित्रकला और संगीत, यह दो विषय। अनुभव करेंगे श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और हम उनके मित्र उस संगीत में मंत्र मुक्त हो खो गए हैं। ओहो, क्या यह अनुभव है? क्या इस सृष्टि में सुंदरता है जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं? हवाओं से पत्ते झूल रहे हैं, पंछी गा रहे हैं, जैसे कि नेचुरल संगीत बज रहा है। इस सतयुग में एक एक सब आत्माएं जैसे कि चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, कितना नेचुरली ये संगीत बजा रहे हैं। ओहो, खो जाए इस संगीत भरी दुनिया में। सतयुग में देखेंगे हम श्री कृष्ण और श्री राधा के साथ रास खेल रहे हैं।
देखेंगे हम उस रास में संपूर्ण खो चुके हैं। संपूर्ण लीन अवस्था में है, उस संगीत में अभी अनुभव करेंगे। हमारे महलों के आंगन में पुष्पक विमान, हम इस पुष्पक विमान में बैठ संकल्प से एक सेकेंड में सारे विश्व का चक्कर लगा रहे हैं। देखेंगे ऊपर से ये सतयुग के नज़ारे पुष्पक विमान से। ओहो, क्या जगमगाती दुनिया है ये। चारों तरफ सोने के महल ही महल है, हीरे जवाहरातों से संपूर्ण संपन्न है ये दुनिया। चारों तरफ सुख ही सुख है, खुशी ही खुशी है। उड़ते ही उड़ते पहुंच जाए अमेरिका के ऊपर से, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से, इंग्लैंड के ऊपर से। बाबा ने कहा है ये सब स्थान पिकनिक के होंगे। देखेंगे मनमोहक वातावरण है ये, झरने नदियां हरे भरे पेड़ पंछी। ओहो क्या सुंदरता है जिसको हम शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। अभी पुष्पक विमान से सैर कर हम आ गए हैं अपने बगीचे में। ओहो क्या फूल है, क्या फल है। यहाँ का भोजन फल और फूल और दूध है। फल भी ऐसे नेचुरल है, बस दबाया और मीठे रस से भरा है। यहाँ कोई भी चीनी नमक आदि की ज़रूरत नहीं है। फलों और फूलों में एक नेचुरल मिठास है। अभी अनुभव करेंगे लक्ष्मी और नारायण के राज्य दरबार में हम एक प्रिंस के रूप में बैठे हुए हैं। कितनी सुंदर दरबार है ये, अनेक प्रिंस प्रिंसेस इस दरबार में बैठे हुए हैं। आपस में रूह रिहान कर रहे हैं। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं जो हमने श्री कृष्ण का पहला जन्म देखा। श्री लक्ष्मी नारायण का हमें संग मिल रहा है। कितनी सौभाग्यवान हूँ मैं आत्मा जो इस स्वर्ग में हमें पहला जन्म मिला
दिल से मन ही मन शिव बाबा को शुक्रिया कहेंगे। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपने हमें अपना बना लिया और इतनी सुंदर दुनिया का आपने हमें मालिक बना दिया। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया मेरे बाबा शुक्रिया। ओ शांति।